हेलो एवरीवन, आई समीश पाले, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट NIT पॉलिटेक्निक नागपुर, वेलकम यू ऑल इन द कोर्स दैट इज थर्मल इंजीनियरिंग फॉर थर्ड सेमिस्टर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। इन दिस कोर्स वी ऑलरेडी स्टार्टेड विथ आर थर्ड चैप्टर दैट इज स्टीम एंड स्टीम बॉयलर एंड टूडे इज द सेकेंड लेक्चर ऑन दिस चैप्टर and our today's topic is numerical on steam. So before starting with today's lecture, let us discuss what we can achieve or what we can learn from today's video. आज के वीडियो से अपन क्या चीज सीखने वाले हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो after watching this video, the learner will be able to solve numerical on steam generation process. जो स्टीम है उसके ऊपर के अपन क्या कर सकते हैं, आज के वीडियो देखने से अपन न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकेंगे। क्लियर है? आज के वीडियो से कौन सा यूनिट आउटकम अचीव होने वाला है वो अपन देख लेते हैं। आज के वीडियो से जो सबसे पहला यूनिट आउटकम अचीव होने वाला है वो है 3A, दैट इज डिटरमाइंड ड्राइनेस फ्रैक्शन फॉर द गिवन स्टीम सैंपल। अपने को एक स्टीम सैंपल गिवन रहेगा, उसका अपन ड्राइनेस फ्रैक्शन फाइंड कर सकेंगे। और जो दूसरा अचीव होने वाला है वो है 3B, रिप्रेजेंट डिफरेंट वेरियस प्रोसेसेस ऑन सुटेबल कोऑर्डिनेट इन द गिवन सिचुएशन। एक कोई सिचुएशन के ऊपर में अपने को वो जो स्टीम है उसका प्रोसेसेस, डिफरेंट प्रोसेसेस अपन रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद में जो प्रोग्राम आउटकम्स आज के वीडियो से अचीव होने वाले हैं वो अपन देख लेते हैं। तो आज के वीडियो से जो प्रोग्राम आउटकम अचीव होगा वो सबसे पहला तो अचीव होगा अपना बेसिक नॉलेज। तो ये जो न्यूमेरिकल है इसमें अपने को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपने को बेसिक नॉलेज रखेगा मैथमेटिक्स का। उसके बाद में अपने को इससे अपन डिसिप्लिन नॉलेज भी अचीव होने वाला है आज के वीडियो से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो स्टीम जनरेशन है। उसके बाद में अपन इसकी प्रैक्टिस करने वाले न्यूमेरिकल की, तो PO3 अचीव होने वाला है। PO4 अपना डिफरेंट इंजीनियरिंग टूल्स यूज कर अपन कैलकुलेटर यूज करेंगे, तो PO4 अचीव होने वाला है। उसके बाद में PO8 अचीव होने वाला है आपका इंडिविजुअल और टीम वर्क, मतलब इंडिविजुअली आप ये वाले न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करोगे तो इंडिविजुअली आपका ये PO अचीव होने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट जो PO अचीव होने वाला है वो है आपका PO9, दैट इज कम्युनिकेशन। आपका कम्युनिकेशन आप रिटर्न न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो उससे कम्युनिकेशन बढ़ेगा, तो PO9। और PO10 है आपका लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो इस वाले जो न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे ये लाइफ लॉन्ग आपको याद रहने वाला है। तो ये PO10 भी आज के वीडियो से अपना क्या होने वाला है, अचीव होने वाला है। क्लियर है? उसके बाद में लास्टली आपका अचीव होने वाला है PSO3। क्लियर है? तो चलो आज का अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो उसके पहले, सबसे पहले न्यूमेरिकल चालू करने के पहले अपने को पता होना चाहिए न्यूमेरिकल के फॉर्मूलेस। तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस है जो न्यूमेरिकल थर्ड चैप्टर के जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करने के लिए यूज होंगे। तो वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस अपन सबसे पहले देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, ये वीडियो को यहाँ पे पॉज करना है और जो भी फॉर्मूलेस मैं बता रहा हूँ एक एक करके इसी तरीके से आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस आपके कॉपी में भी लिखना है। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस में जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो है टोटल हीट, या फिर उसको बोलते हैं एंथैल्पी या हीट रिक्वायर्ड। अगर आपको क्वेश्चन में बोला कि टोटल हीट निकालो या फिर एंथैल्पी निकालो या हीट रिक्वायर्ड निकालो, तीनों चीज़ें में से कोई भी चीज़ आपको अगर क्वेश्चन में निकालने बोला तो आपको ये जो फॉर्मूलेज है इसी फॉर्मूलेस को यूज़ करना है। क्लियर है? सबसे पहला क्या बताया मैंने फॉर्मूला का, एक टोटल हीट निकालने बोला अगर किसी ने क्वेश्चन में, या एंथैल्पी निकालने बोला या हीट रिक्वायर्ड निकालने बोला, तो ये तीनों चीज का मीनिंग एक ही होता है। काय का टोटल हीट, एंथैल्पी और हीट रिक्वायर्ड, ये तीनों चीज का जो आपका मीनिंग है वो क्या है, एक ही होता है। तो अभी ये टोटल हीट, एंथैल्पी और हीट जो रिक्वायर्ड है, ये फॉर्मूलेस अपन ने इसके कल के वीडियो में, इसके पहले जो अपन ने वीडियो देखा उसमें अपन ने देखे थे क्या, कि उसमें अपन ने देखे थे कि जो स्टीम रहती है वो कितने टाइप की रहती है, तीन टाइप की रहती है। अपन ने वो स्टीम जनरेशन प्रोसेस देखा था, उसमें अपन ने देखा था कितने टाइप की स्टीम रहती है, तीन टाइप की। एक वेट स्टीम रहती है, एक ड्राई स्टीम रहती है और एक रहती है अपनी सुपर हीटेड स्टीम। तो वेट स्टीम बनाने के लिए टोटल हीट कितनी लगेगी, या एंथैल्पी कितना लगेगा, या हीट कितनी रिक्वायर्ड है, तो उसका एक फॉर्मूला बनेगा वेट स्टीम का। ड्राई स्टीम बनाने के लिए अपने को टोटल हीट कितनी लगेगी,
तो उसका एक फॉर्मूला बनेगा। उसी तरीके से अगर अपने को सुपर हीटेड स्टीम बनाना है तो वो बनाने के लिए टोटल हीट कितनी लगेगी उसका भी एक अपना क्या रहेगा डिफरेंट फॉर्मूला रहेगा। मतलब टोटल हीट एंथैल्पी और हीट रिक्वायर्ड के कितने फॉर्मूले मिलेंगे अपने को, तीन। किसके किसके लिए? एक वेट स्टीम के लिए, एक ड्राई स्टीम के लिए और एक सुपर हीटेड स्टीम के लिए। तो एक एक करके अपन फॉर्मूले देखते हैं। तो जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो है अपना ड्राई सैचुरेटेड स्टीम का। कौन सी इसका फॉर्मूला है? ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। ड्राई सैचुरेटेड स्टीम मतलब जिसमें वाटर पार्टिकल्स कुछ भी प्रेजेंट नहीं रहेंगे, जिसमें वाटर पार्टिकल कुछ भी प्रेजेंट नहीं रहेंगे। मतलब ड्राइनेस फ्रैक्शन जो रहेगा एक्स, अपन ने कल देखे थे ड्राइनेस फ्रैक्शन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो ड्राइनेस फ्रैक्शन एक्स की वैल्यू रहेंगी वो कितनी रहेंगी यहाँ पर? वन। कितनी रहेंगी अपनी? वन। तो आपको हरदम याद रखना है कि ड्राई सैचुरेटेड स्टीम जो रहेंगी उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना रहता है? वन रहता है। उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना रहता है? वन रहता है। तो ड्राई स्टीम बनाने के लिए अपने को हीट जो लगेंगी वो किससे निकालेंगे वो अपन देखते हैं। तो ड्राई स्टीम बनाने के लिए जो हीट अपने को कितनी लगेंगी उसका फॉर्मूला है H। H बोले तो एंथैल्पी को भी रिप्रेजेंट करता है, टोटल हीट को भी और हीट रिक्वायर्ड। तो आपको कुछ भी निकालने बोला तो उसको H से। तो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम को कितनी हीट लगेंगी बनाने के लिए उसका फॉर्मूला एम ब्रैकेट में एच एफ प्लस एच एफ जी। क्या है? एम ब्रैकेट में एच एफ प्लस एच एफ जी। तो ये जो एम है, ये जो एम है ये क्या है? मास ऑफ वाटर। एम एम क्या है? मास ऑफ वाटर। अपने को कितने पानी की स्टीम बनाना है तो ये एम होता है अपना मास ऑफ वाटर। ये अपने को दिया रहेगा क्वेश्चन में। उसके बाद में एच एफ, एच एफ बोले होता है अपना सेंसिबल हीट या एंथैल्पी जो कि वेट इसकी रहेंगी। क्लियर है? एंथैल्पी जो वेट रहेगा या फिर उसको बोला जाता है अपना कौन सा? सेंसिबल हीट। कल के इसमें ही मैंने बताया था आपको एच एफ क्या होता है अपना सेंसिबल हीट। ये ऐसी हीट जो सिर्फ अपना क्या करती है टेम्परेचर बढ़ाती है, जो सिर्फ क्या करने का काम करती है टेम्परेचर बढ़ाती है, फेस को चेंज नहीं करती है। क्लियर है? तो एच एफ क्या है अपनी स्पेसिफिक हीट। एच एफ जी क्या है? स्पेसिफिक लैटेंट हीट। एच एफ जी क्या है अपना? लैटेंट हीट। एच एफ जी क्या है? लैटेंट हीट। तो ये दोनों चीज़ें एच एफ और एच एफ जी अपने को निकालना पड़ता है स्टीम टेबल से। ये कहाँ से निकालना पड़ता है अपने को? स्टीम टेबल से। ये दोनों चीज़ें अपने को निकालना पड़ता है स्टीम टेबल से। वो कैसे निकालना है मैं आगे में बताऊँगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है ड्राई सैचुरेटेड स्टीम के लिए अपने को टोटल हीट, अगर कोई स्टीम वाटर दिया अपने को कुछ और उसका अपने को स्टीम बनाना है, कौन सी स्टीम बनाना है? ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? H इक्वल्स टू एम ब्रैकेट में एच एफ प्लस एच एफ जी। तो एच एफ बोले तो अपना स्पेस क्या होता है? एंथैल्पी जो कि लिक्विड के लिए रहेंगी, एच एफ जी अपना वेट के लिए जिसमें मिक्सचर है क्या लिक्विड भी है और वेपर भी है। और इसको एच एफ बोले तो इसको बोला जाता है सेंसिबल हीट, एच एफ जी इसको बोला जाता है लैटेंट हीट। और ये दोनों चीज़ें कैसे निकालेंगे अपन? स्टीम टेबल से। और ये स्टीम टेबल से अपने को ये पर्टिकुलर प्रेशर के ऊपर में निकालना पड़ता है। काय के ऊपर में निकालना पड़ता है? पर्टिकुलर प्रेशर के ऊपर में। तो ये प्रेशर अपने को क्वेश्चन में दिया रहेगा। कल जैसे अपन ने देखे थे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर में अपना जो हीट निकलता था उसके लिए सेंसिबल हीट कम लगता था, लैटेंट हीट ज़्यादा लगता था। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसा अपन ने बढ़ा दिए तो वहाँ पे सेंसिबल हीट ज़्यादा लग रहा था, लैटेंट हीट कम लग रहा था। क्लियर है? तो इस तरीके से ये अपने को प्रेशर दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। तो आपको सभी को ड्राई सैचुरेटेड स्टीम का फॉर्मूला पता चल गया क्या है? एच इक्वल्स टू मास ब्रैकेट में एच एफ प्लस एच एफ जी। क्लियर है? अभी उसी तरीके से अपन देखते हैं फॉर्मूला किसके लिए? वेट स्टीम के लिए। तो फॉर वेट स्टीम दूसरा फॉर्मूला अपना काहे के लिए? वेट स्टीम के लिए। तो वेट स्टीम के लिए फॉर्मूला क्या है? एच एम एच एफ प्लस एक्स इंटू एच एफ जी। क्या है फॉर्मूला? एच इक्वल्स टू एम एच एफ प्लस एक्स इंटू एच एफ जी। ये और ये वाला फॉर्मूला दोनों सेम ही है। ड्राई और वेट स्टीम का फॉर्मूला दोनों सेम है। अगर सिर्फ चेंज क्या है, यहाँ पे एक्स लिखा है मैंने, एच एफ जी के साथ में मैं क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? एक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी टर्म मल्टीप्लाई नहीं किए। अगर मैंने यहाँ पे एक्स को मल्टीप्लाई भी किया, अगर मैंने एच एफ जी में यहाँ पे एक्स को मल्टीप्लाई भी किया तो ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू ड्राई स्टीम के लिए कितनी रहती? वन। तो ये वन रहेंगी, तो ये वन मल्टीप्लाई बाय एनी थिंग इक्वल्स टू वही रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने x नहीं लगाया, नहीं तो वाइसी फॉर्मूला अपना दोनों वेट स्टीम और ड्राई स्टीम का क्या रहता है? सेम ही रहता है। तो h इक्वल्स टू वेट स्टीम के लिए फॉर्मूला क्या? मास ब्रैकेट में एच एफ बोले तो सेंसिबल हीट प्लस x ड्राइनेस फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय एच एफ
जी। तो ट्राइनेस फ्रैक्शन अपने को क्वेश्चन भी दिया रहेगा, एच एफ और एच एफ जी अपन स्टीम टेबल से निकालेंगे, मास अपने को क्वेश्चन भी गीवन रहेगा। अगर नहीं गीवन है तो मास अपन हरदम अज्यूम कर लेंगे कितना 1 kg। तो समझ में आया सबको वेट स्टीम का भी फॉर्मूला क्या है, टोटल हीट निकालने का, एच इक्वल्स टू एम ब्रैकेट में एच एफ प्लस एक्स इंटू एच एफ जी। उसी तरीके से अपन अभी बात करते हैं कौन सी स्टीम की, सुपर हीटेड स्टीम की। कौन सी स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम। पहले अपन ने ड्राई स्टीम देखे, वेट स्टीम देखे, अभी अपन बात करेंगे सुपर हीटेड स्टीम की। तो सुपर हीटेड स्टीम के का जो फॉर्मूला है वो है मास एच एफ प्लस एच एफ जी। यहाँ तक के तो अपन ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ तक के, मास ब्रैकेट में एच एफ प्लस एच एफ जी, ये हो गया अपना ड्राई स्टीम। यहाँ तक के अपना हो गया ड्राई स्टीम। अभी ड्राई स्टीम को अभी अपने को और हीट करना पड़ेगा तभी सुपर हीटेड स्टीम बनेगी। कल ही मैंने बताया था ड्राई स्टीम को अपन और हीट करते तभी ये क्या बनती है, अपनी सुपर हीटेड स्टीम बनती है। तो यहाँ तक के तो ये जो फॉर्मूला है ये अपने ड्राई स्टीम का है, प्लस उसमें ये सुपर हीटेड स्टीम बनाने के लिए ये इतनी हीट और ऐड करना पड़ेगा। सुपर हीटेड स्टीम बनाने के लिए इतनी हीट और ऐड करना पड़ेगा, तो उसका कितनी हीट ऐड करना पड़ेगा, सीपी बोल तो स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। और ये किसकी रहेगा, सीपी स्टीम का, ये वाले इसमें याद रखना अपन। ये फॉर्मूला किसके लिए लिख रहे हैं, स्टीम के लिए। तो ये जो फॉर्मूला रहेगा, ये जो अपना फॉर्मूला है इसमें जो सीपी यूज होगा ये किसका रहेगा, स्टीम का। टी सूप बोले तो क्या होता है अपना सुपर हीटेड टेम्परेचर, स्टीम कितने टेम्परेचर के ऊपर में सुपर हीटेड हुई है ये अपने को क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ये क्या है, टी सूप बोले तो सुपर हीटेड टेम्परेचर ऑफ स्टीम। और टी सेट बोले तो होता है सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ स्टीम। सैचुरेशन टेम्परेचर बोले तो वो टेम्परेचर जिसके ऊपर में अपना क्या होता है, स्टीम जनरेट होती है, वाटर कन्वर्ट होता है काय में, स्टीम में। तो उस वाले टेम्परेचर को बोलते हैं अपन सैचुरेशन टेम्परेचर। तो सुपर हीटेड स्टीम की अगर बनाने के लिए कितनी हीट लगेगी अगर वो निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, एम एच एफ प्लस एच एफ जी। यहाँ तक के तो ये ड्राई स्टीम का है, प्लस उसमें करेंगे क्या, सी पी टी सूप माइनस टी सेट। तो टी सूप अपने को क्या से मिलेगा, क्वेश्चन में गिवन रहेगा। टी सैचुरेशन जो टेम्परेचर रहेगा वो अपने को स्टीम टेबल से मिलेगा, जो पर्टिकुलर प्रेशर दिया रहेगा वो पर्टिकुलर प्रेशर के ऊपर में अपन क्या करेंगे, स्टीम टेबल से टी सैचुरेशन को कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, टी सैचुरेट स्टीम टेबल से कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है, यहाँ पे वेयर एम इज मास का में रहेगा केजी में, ये मैंने बता दिया ऑलरेडी। एच एफ इज सेंसिबल हीट जो कि अपने को किलो जूल पर केजी में मिलेंगी और रखना उसी में है। एच एफ जी इज लेटेंट हीट जो कि अपने को किलो जूल पर केजी में ही रखना है। उसके बाद में एक्स के अपना ड्राइनेस फ्रैक्शन, एक्स के अपना ड्राइनेस फ्रैक्शन जिसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। उसके बाद में सी पी क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम जो जूल पर, ये सॉरी इसको भी अपने को किलो जूल में ही रखना है। ये भी अपना स्पेसिफिक हीट क्या है में रहेंगी, किलो जूल पर केजी केल्विन। अगर ये क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है तो ठीक है, अगर नहीं गिवन है तो हरदम अज्यूम कर लेने का सीपी की वैल्यू 2.3। हरदम अज्यूम करेंगे सीपी की वैल्यू कितना, 2.3 किलो जूल पर केजी केल्विन। किसके लिए, स्टीम के लिए। किसके लिए, स्टीम के लिए। अगर अपने को क्वेश्चन में स्टीम के लिए स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम नहीं दिया है तो अपने को अगर यूटिलाइज करना है तो वहाँ पे अज्यूम करने का 2.3 किलो जूल पर केजी केल्विन। क्लियर है। उसके बाद में टी स्टूप क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ सुपर हीटेड स्टीम। और टी सैचुरेशन क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड स्टीम। तो टेम्परेचर ऑफ सुपर हीटेड स्टीम इज टी स्टूप, टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड स्टीम इज टी सेट। तो अगर आपको क्वेश्चन में बोला कि एंथाल्पी निकालो, टोटल हीट निकालो या हीट रिक्वायर्ड निकालो, इसके ऊपर में एक क्वेश्चन कंपलसरी 4 मार्क के लिए पूछता है एमएसबीटी में, तो आपको क्या बोलेगा वो, एक तो टोटल हीट निकालो, एंथाल्पी निकालो या हीट रिक्वायर्ड निकालो। तो आपको सबसे पहले उसमें आइडेंटिफाई करना है कि स्टीम कौन सी दी हुई है, ड्राई स्टीम दी हुई है, वेट स्टीम दी हुई है कि सुपर हीटेड स्टीम दी हुई है। तो उसके बाद में आपको अगर आइडेंटिफाई होगा कि ड्राई स्टीम दी हुई है तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, ड्राई स्टीम वाला। आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे उसमें, ये एच ड्राई स्टीम वाला। अगर आपको स्टीम वेट स्टीम दी है तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, अपन वेट स्टीम वाला। अगर सुपर हीटेड स्टीम दी है तो अपन फॉर्मूला लगाएंगे सुपर हीटेड स्टीम वाला। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला था अपना काय के लिए, टोटल हीट या एंथैल्पी या ये हीट रिक्वायर्ड के लिए। क्लियर है। तो नेक्स्ट अपन फॉर्मूला देखते हैं अभी। तो जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो वॉल्यूम ऑन टोटल हीट। जब अपन ने हीट सप्लाई किए, अपन ने टोटल हीट सप्लाई किए तो कितना वॉल्यूम अपना जनरेट हुआ, कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ स्टीम का, कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ वो भी आपको कभी कभार निकालने बोलता है। क्या कि वॉल्यूम निकालो कितना जनरेट हुआ।
कि जितनी हीट सप्लाई की है उतनी कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ। तो अपन ने टोटल हीट कितने इसके लिए निकाले थे, कितने चीज़ों के लिए निकाले, तीन चीज़ों के लिए, एक तो ड्राई स्टीम के लिए, वेट स्टीम के लिए और सुपर हीटेड स्टीम के लिए। तो वॉल्यूम भी कितने स्टीम का बनेगा, टोटल हीट के हिसाब से वॉल्यूम भी चेंज होगा। एक तो ड्राई स्टीम का वॉल्यूम अलग रहेगा, वेट स्टीम का वॉल्यूम अलग रहेगा और सुपर हीटेड स्टीम का वॉल्यूम अलग रहेगा। तो अपन एक एक करके उसके भी अपन फॉर्मूले देखते हैं। तो सबसे जो पहला फॉर्मूला वो रहेगा अपना ड्राई सैचुरेटेड स्टीम का। सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा अपना ड्राई सैचुरेटेड स्टीम का। तो वॉल्यूम को जो अपन डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं कैसे, वी से। वॉल्यूम को जो डिनोट करते हैं वो कैसे डिनोट करते हैं, वी से। और ड्राई सैचुरेटेड स्टीम के लिए जो वॉल्यूम रहेगा वो रहेगा वी जी। ड्राई सैचुरेटेड स्टीम के लिए जो वॉल्यूम रहेगा वो रहेगा वी जी, जो रहता है अपना स्पेसिफिक वॉल्यूम। वी जी को बोलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। वीजी को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम। वीजी इज नथिंग बट क्या अपना स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम, जो कि रहेगा मीटर क्यूब पर केजी में, जो कि रहेगा अपना क्या में मीटर क्यूब पर केजी में, जो कि क्या रहेगा अपना मीटर क्यूब पर केजी में। तो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम के लिए अगर अपने को वॉल्यूम निकालना है तो क्या रहेगा, कैपिटल वी वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या रहेगा वी जी। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वी जी, जो कि रहेगा अपना स्पेसिफिक वॉल्यूम। वी जी को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम, जो कि अपनी उसकी यूनिट क्या रहेगी, मीटर क्यूब पर के जी। और ये वी जी अपने को कहाँ से मिलेगा, स्टीम टेबल से। कहाँ से मिलेगा, स्टीम टेबल से। अपने को जो प्रेशर दिया रहेगा उस प्रेशर के ऊपर में अपन स्टीम टेबल से ये वी जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैसा कैलकुलेट करना है वो मैं आपको स्टीम टेबल जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, क्लियर है। तो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम के लिए वॉल्यूम कैसा निकालना है समझ में आ गया, वी इक्वल्स टू वी जी। उसी के लिए वैसे ही अपन देखते हैं फॉर वेट स्टीम। तो नेक्स्ट जो अपना फॉर्मूला है वो क्या, इसके लिए फॉर वेट स्टीम, तो वी इक्वल्स टू क्या अपना एक्स इंटू वी जी। ड्राई स्टीम के लिए क्या था, सिर्फ वी जी। दोनों फॉर्मूले सेम है, मैंने बताया ना ड्राई स्टीम के लिए ड्राइनेस रेशियो अपना वन रहता है। अगर यहाँ पे मैं वन से भी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वन इंटू वी जी इज वी जी हो जाएगा। उसी तरीके से फॉर वेट स्टीम क्या रहेगा फॉर्मूला, वॉल्यूम का वी इक्वल्स टू एक्स इंटू वी जी। फॉर वेट स्टीम वॉल्यूम क्या रहेगा, वी इक्वल्स टू एक्स इंटू वी जी। क्या रहेगा फॉर्मूला, वी इक्वल्स टू एक्स इंटू वी जी, ये अपने को गीवन रहेगा क्वेश्चन में। ड्राइनेस फ्रैक्शन अपने को गीवन रहेगा क्वेश्चन में। वी जी अपन स्टीम टेबल से निकालेंगे और वी जी क्या होता है अपना स्पेसिफिक वॉल्यूम, जिसकी यूनिट रहेंगी अपनी मीटर क्यूब पर के जी में। अभी नेक्स्ट देखते हैं अपन फॉर सुपर हीटेड स्टीम। तो फॉर सुपर हीटेड स्टीम के लिए फॉर्मूला क्या है, वी सुपर हीटेड डिवाइडेड बाय टी सूप इक्वल्स टू वी जी डिवाइडेड बाय टी सैचुरेटेड। क्या है फॉर्मूला, वी सूप डिवाइडेड बाय टी सूप इक्वल्स टू वी जी डिवाइडेड बाय टी सेट। वी सूप इज नथिंग बट क्या अपना वॉल्यूम ऑफ सुपर हीटेड स्टीम, टी सूप इज टेम्परेचर ऑफ सुपर हीटेड स्टीम, वी जी इज अपना कौन सा स्पेसिफिक वॉल्यूम और टी सेट इज सैचुरेशन टेम्परेचर। तो इसमें से अपन टी सूप निकाल देंगे, वी जी अपने को कहाँ से मिलेगा, स्टीम टेबल से। टी सेट अपने को कहाँ से मिलेगा, स्टीम टेबल से। टी सुपर हीटेड अपने को क्वेश्चन भी गिवन रहेगा, तीन चीज़ें पता है, चौथी चीज़ अपने को वहाँ से फाइंड आउट हो जाएंगी, क्लियर है। अगर यहाँ पे लिख देता मैं, वी सुपर हीटेड क्या स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सुपर हीटेड स्टीम लिख दिया मैंने, वी जी क्या स्पेसिफिक वॉल्यूम एट सैचुरेटेड वेपर, सैचुरेटेड वेपर के ऊपर में जो वॉल्यूम रहेगा उसको वी जी बोलते हैं अपन, क्लियर है। तो नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं अपन स्टीम टेबल। अभी मैंने बताया ना कि अपने को स्टीम टेबल से वैल्यूज लेना है, तो स्टीम टेबल से वैल्यूज लेने का कैसा, तो यहाँ पे आप देखो इस तरीके से आपको एक स्टीम टेबल मिलेगा, उसमें आपको जाना है टेबल नंबर टू में। आपको जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है अपने वाले ये वाला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर थ्री में, उसमें आपको स्टीम टेबल यूज़ करना है। और स्टीम टेबल यूज़ करके आपको वहाँ पे टेबल नंबर टू यूज़ करना है, कौन सा यूज़ करना है, टेबल नंबर टू। आप स्टीम टेबल आर एस खुरमी का ले लो, आर एस खुरमी का आपको स्टीम टेबल लेना है, कौन सा आर एस खुरमी का स्टीम टेबल लेना है, उसमें टेबल नंबर टू यूज़ करना है। तो अभी आपको वैल्यूज निकालेंगे कैसे, सपोज आपको अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रेशर दिया हुआ है 0.030, प्रेशर दिया हुआ कितना 0.030। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रेशर दिख रहा है, पी स्टैंड फॉर प्रेशर, उसका यूनिट दिया कितना बार में, उसका यूनिट क्या में दिया हुआ है आपको बार में दिया हुआ है। तो पी अपने को यूनिट दिया हुआ है बार में, क्लियर है। तो और अपने को क्वेश्चन में अगर प्रेशर दिया हुआ है 0.30 और इसके ऊपर में अपने को
बाकी वैल्यूज कैलकुलेट करना है। तो ये देखो सबसे पहला TS दिख रहा है आपको, TS इज नथिंग बट मैंने बताया था क्या था अपना सैचुरेशन टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर था अपना? सैचुरेशन टेम्परेचर। उसकी यूनिट भी यहाँ पे दिया हुआ है, सैचुरेशन टेम्परेचर का में ये डिग्री सेल्सियस में। तो अपने को 0.030 के ऊपर में अगर सैचुरेशन टेम्परेचर कैलकुलेट करना है डिग्री सेल्सियस में, तो उसका टेम्परेचर कितना मिलेगा ये देखो, यहाँ से ऐसा हॉरिजॉन्टली जाने का, कहाँ पर जाने का अपने को? हॉरिजॉन्टली, जो भी वैल्यूज निकालना है उसके लिए अपने को जाना पड़ेगा हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ पे देखो प्रेशर दिया हुआ है बार में 0.030, टेम्परेचर ये कौन सा टेम्परेचर रहेगा अपने को, यहाँ से स्टीम टेबल से जो टेम्परेचर मिलेगा वो कौन सा टेम्परेचर मिलेगा? सैचुरेशन टेम्परेचर। उसका यूनिट क्या रहेगा? डिग्री सेल्सियस। तो अपने को वैल्यू मिल रही है उसकी कितनी, सैचुरेशन टेम्परेचर की 0.30 बार के ऊपर में सैचुरेशन टेम्परेचर कितना है 2.1 डिग्री सेल्सियस, ये निकल गया। फिर उसके बाद में अपने को नेक्स्ट उसके बाजू में देखो कॉलम दिया हुआ है स्पेसिफिक वॉल्यूम का, क्या कॉलम दिया हुआ है स्पेसिफिक वॉल्यूम का, जो कि यूनिट अपनी दी हुई है उसकी क्या है, मीटर क्यूब पर केजी। अपने को वॉल्यूम दिया है स्पेसिफिक वॉल्यूम का, उसमें अपने को यूनिट दिया है मीटर क्यूब पर केजी। तो इसमें आपको जो वॉल्यूम लेना है वो सिर्फ आपको कंसीडर करना है इसमें का कौन सा, वीजी वाला, कौन सा कंसीडर करना है आपको, वीजी, दूसरा वाला वॉल्यूम कंसीडर करने का नहीं। यहाँ पे जो वॉल्यूम कंसीडर करेंगे वो सिर्फ कौन सा कंसीडर करेंगे, वीजी। ये वीएफ का वॉल्यूम आपको लेना नहीं है। तो यहाँ से फिर से 0.30 के हॉरिजॉन्टली जाएंगे, ये वाला वॉल्यूम अपने को वीएफ का लेना नहीं है, अपन जाएंगे यहाँ पे वीजी के ऊपर में। तो अपने को वीजी की वैल्यू कितनी मिल रही, 45.67 मीटर क्यूब पर केजी। 0.30 बार प्रेशर के ऊपर में अपना स्पेसिफिक वॉल्यूम है सैचुरेटेड वेपर कितना है 45.67 केजी। तो इस तरीके से अपने को वीजी की वैल्यू मिल जाएंगी। फिर अपने को स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी की ज़रूरत है क्या, नहीं है, तो इसको भूल जाने का, इसको भी भूल जाने का। फिर अपने को स्पेसिफिक एंथैल्पी की ज़रूरत है, स्पेसिफिक एंथैल्पी इज नथिंग बट मैंने बताया था HF और HFG की ज़रूरत रहती है अपने को। यहाँ से देखो अपने को अगर HF निकालना है 0.30 के ऊपर में HF निकालना है, तो वही लाइन में हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट जाने का, तो HF की वैल्यू अपना 0.030 बार के ऊपर में कितना है 101.0, कितना है 101.0। और इसकी यूनिट कितनी है यहाँ पे दिया हुआ है देखो, किलो जूल पर केजी। उसकी यूनिट कितनी है, किलो जूल पर केजी। तो ये यहाँ पे अपने को वैल्यू मिल जाएंगी किसकी, स्पेसिफिक एंथैल्पी की वैल्यू मिल गई कितना 101.0 किलो जूल पर केजी। कितनी वैल्यू मिल गई अपने को, 101.0 किलो जूल पर केजी। क्लियर है, समझ में आ गया सबको, आपको यहाँ पे वैल्यू समझ में आ गई क्या है, 101.0 किलो जूल पर केजी। तो ये हो गया अपना 101.0 किलो जूल पर केजी, यहाँ पे अपन ने लिख लिया। उसी तरीके से अगर HFG निकालना है तो उसको आगे में जाने का, ये देखो यहाँ पे HFG का कॉलम है, यहाँ पे जाएंगे अपन HFG में, तो अपनी वैल्यू मिल रही है कितना, 2444.5 किलो जूल पर केजी। कितनी मिल रही है, 2444.5 किलो जूल पर केजी। तो 0.030 बार के ऊपर में स्पेसिफिक एंथैल्पी HFG की वैल्यू कितनी है, 2444.5 किलो जूल पर केजी। तो इस तरीके से आपको स्टीम टेबल रीड करके आपको वैल्यूज निकालना है, जो प्रेशर दिया रहेगा आपको ये वाला जो लाइन रहेगी, ये वाले लाइन में आपको सबसे पहले तो प्रेशर आप फाइंड आउट करना है, वो वाला जो भी प्रेशर दिया रहेगा वो वाला प्रेशर यहाँ पे फाइंड आउट करना है ये वाले लाइन में आपको। वो प्रेशर को फाइंड आउट करने के बाद में जो चीज़ें आपको निकालना है वो हॉरिजॉन्टली उस वाले लाइन से आपको मिल जाएंगी, हॉरिजॉन्टली उस वाले लाइन से आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा उस वाले इसके। तो टेबल कौन सा यूज़ करना है अपने को, ये याद रखने का, टेबल नंबर 2 यूज़ करना है। प्रेशर क्वेश्चन में गिवन रहेगा, या वर्टिकली ढूंढ लेने का प्रेशर को अपना, और वो प्रेशर को ढूंढने के बाद में फिर हॉरिजॉन्टली अपने को क्या करना है, उससे वैल्यूज़ कैलकुलेट करना है। तो इस तरीके से स्टीम टेबल को रीड किया जाता है। क्लियर है, समझ में आया सबको, और ये स्टीम टेबल के बेसिस के ऊपर में ही अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है अपने को। क्लियर है, तो चलो देखते हैं अपन न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले टाइप का न्यूमेरिकल देख रहे हैं अपन, तो इसमें अपने को दिया हुआ है, क्वेश्चन में पढ़ता हूँ उसके बाद में कैसे सॉल्व करना है अपन देखते हैं। डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड। यहाँ से अपने को क्या समझ में आया कि अपने को क्या निकालना है, हीट रिक्वायर्ड निकालना है, मतलब एच की वैल्यू निकालना है, ये तो अपने को पता चल गया। से तो क्या दिया हुआ है अपने को, डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अपने को हीट रिक्वायर्ड निकालना है, मतलब एच की वैल्यू निकालना है।
तो अपन देखेंगे एच की वैल्यू निकालना है। तो एच के अपने पास में तीन फॉर्मूले कौन से ड्राई के लिए, वेट के लिए है और सुपर हीटेड के लिए। तो अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि सबसे पहला ये जो फॉर्मूला जो दिया हुआ है हीट रिक्वायर्ड, अपने को काई के लिए निकालना है, वेट के लिए निकालना है, ड्राई के लिए निकालना है कि सुपर हीटेड के लिए निकालना है। तो यहाँ पे मैंने पुटअप कर दिया हीट रिक्वायर्ड डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अपने को ये निकालना है, मतलब एच की वैल्यू निकालना है, अपने को पता चल गया। टू प्रोड्यूस 5 kg ऑफ स्टीम, टू प्रोड्यूस 5 kg ऑफ स्टीम, अपने को कितने kg ऑफ स्टीम प्रोड्यूस करना है, 5 kg। मतलब यहाँ पे अपने को मास भी दिया हुआ है, मास दिया हुआ कितना 5 kg निकालना है एच। अभी ये अभी तक के अपने को ये पता नहीं चला कि स्टीम कौन सी है, अपने को इतना पता है 5 kg ऑफ स्टीम बनाना है, मास 5 kg है। एट 10 bar, 10 bar अभी बताया बार किसका यूनिट रहता है, प्रेशर का। मतलब ये जो चीज़ दिया हुआ है ये किसके लिए दिया हुआ है, प्रेशर के लिए। किसके दिए, क्या दिया हुआ अपने को, प्रेशर दिया हुआ 10 bar। फॉर दी फॉलोइंग कंडीशंस, ये फॉलोइंग कंडीशंस के लिए अपने को एच निकालना है, मास दिया हुआ है स्टीम का और प्रेशर दिया है। तो पहली कंडीशन क्या दिया है, द स्टीम इज वेट, मतलब ये पता चल गया अपने को याद से स्टीम क्या बोल रहा है, वेट बोल रहा है पहले कंडीशन में, विद ड्राइनेस फ्रैक्शन एक्स इक्वल्स टू 0.75। मतलब यहाँ से अपने को ये पता चल गया कि एक्स की वैल्यू दिया हुआ है, ड्राइनेस फ्रैक्शन दिया हुआ, मतलब एक्स की वैल्यू दिया हुआ है अपने को कितना 0.75, स्टीम क्या है, वेट है। ये पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन में बोलता है द स्टीम इज ड्राई सैचुरेटेड, स्टीम क्या है बोल रहा, ड्राई सैचुरेटेड है, मतलब ये दूसरे टाइप की कंडीशन दिया हुआ है अपने को। फिर दिया हुआ है द स्टीम इज सुपर हीटेड, सुपर हीटेड भी दिया हुआ है बोल रहा, मतलब ये अपने को तीसरी कंडीशन भी दिया है और सुपर हीटेड है। तो उसका अपने को बताया था मैंने, जब भी सुपर हीटेड रहेगा अपने को टेम्परेचर गिवन रहेगा वो स्टीम कितना सुपर हीटेड है। तो ये स्टीम कितना सुपर हीटेड है, 200 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये अपना कौन सा टेम्परेचर, ये अपना टी सुपर हीटेड टेम्परेचर, ये कौन सा टेम्परेचर अपना टी सुपर हीटेड टेम्परेचर। तो अपने को वेट स्टीम भी दिया हुआ है, ड्राई स्टीम भी दिया हुआ है, सुपर हीटेड स्टीम भी दिया है पहली तीन कंडीशन में। उसके बाद में अपन फिर से देख रहे द स्टीम इज सुपर हीटेड, फिर से बोल रहा स्टीम सुपर हीटेड, मतलब चौथी केस भी अपने को कौन सी दिया है, सुपर हीटेड। बस इस वाले केस में जो सुपर हीटेड टेम्परेचर दिया हुआ कितना दिया अपने को, 350 डिग्री सेल्सियस, कितना दिया हुआ है 350 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ, पहले में 200 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है सुपर हीटेड टेम्परेचर, स्टीम का कितना दिया हुआ पहले में 200, फिर उसके बाद में दूसरे में कौन सा दिया है 350 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ये अपन सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद में बोलता है द स्टीम इज 95% ड्राई, अभी ये तो समझ में नहीं आ रहा मेरे को, ये बोल रहा स्टीम है 95% ड्राई, ड्राई सैचुरेटेड बोला क्या, नहीं वेट भी नहीं बोला, सुपर हीटेड भी नहीं बोला, पर मेरे को तो तीन ही टाइप की स्टीम पता है, एक तो वेट पता है, ड्राई पता है और सुपर हीटेड पता है, ये चौथे टाइप की स्टीम कहाँ से आ गई, द स्टीम इज 95% ड्राई। तो इसके लिए मैंने बताया था जब आप ड्राइनेस फ्रैक्शन का ये पढ़े थे, क्या बोले थे, अमाउंट ऑफ ड्राई स्टीम प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ वेट स्टीम, अमाउंट ऑफ ड्राई स्टीम प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ वेट स्टीम, मतलब जब भी आपको ऐसा आया द स्टीम इज 95% ड्राई या कोई भी आया, तो हरदम आपको याद रखना है वो स्टीम कौन सी है, वेट है, वो स्टीम कौन सी है, वेट है। अगर 95% ड्राई बोला, कभी उसने बोला कि स्टीम 80% ड्राई है, स्टीम कितनी 80% ड्राई है, मतलब वो स्टीम कौन सी है अपनी, वेट है, पूरी की पूरी ड्राई है क्या, सिर्फ 80% ड्राई है, मतलब 20% उसमें क्या अभी भी पानी है, और पानी कौन से टाइप की स्टीम में रहती है, वेट स्टीम में ही रहती है, सुपर हीटेड स्टीम में पानी रहता है क्या, नहीं, ड्राई स्टीम में पानी रहता है क्या, नहीं। तो हरदम अगर उसने बोला कि 95% ड्राई है, तो तब भी ये कंसिडर करना कि स्टीम कौन सी अपनी वेट स्टीम है, अगर उसने बोला कि स्टीम 80% रहा है, तब भी ये कंसिडर करना वेट स्टीम है। अभी फिर ये 95% रहा है, मतलब ये वेट स्टीम है, ये तो पता चल गया, तो इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन लगेगा अपने को। तो हरदम याद रखना जितने परसेंट ड्राई दिया रहेगा उसको डिवाइड करने का अपने को 100 से, तो अपने को मिल जाएगा हरदम क्या, उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो ये 95% ड्राई है, मतलब इस वाले स्टीम का जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो कितना है 0.95, कितना है 0.95। तो आपको ये हरदम याद रखना है, द स्टीम इज 95% ड्राई बोला, मतलब उस स्टीम का ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना है 0.95, उस स्टीम का ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना है 0.95, जितना भी दिया रहेगा वो स्टीम जितनी परसेंट ड्राई रहेंगे उसको डिवाइड बाय 100 करेंगे तो उससे अपने को मिल जाएगा ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो चलो अपने को हीट रिक्वायर्ड एंथैल्पी निकालना है, तीनों स्टीम के लिए निकालना है, वेट स्टीम के लिए निकालना है, ड्राई के लिए निकालना है, सुपर हीटेड के लिए भी निकालना है, मास गिवन है, प्रेशर गिवन है। तो सबसे पहले अपनी सबसे पहली स्टेप रहेंगी क्या, गिवन। तो स्टेप नंबर 1 अपन लिखेंगे क्या, गिवन डाटा। गिवन डाटा में सबसे पहले अपने को दिया हुआ है क्या, मास दिया था 5 kg वो लिख दिया मैंने, प्रेशर दिया था 10 bar वो लिख दिया। उसके बाद में मेरे को केसेस गिवन है, सबसे पहली केस 1 गिवन है जिसमें ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.75 है, मतलब वेट स्टीम गिवन है।
दूसरी केस दिया हुआ है मेरे को ड्राई सैचुरेटेड स्ट्रीम, मतलब ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना 1 मैंने बताया था, ड्राई सैचुरेटेड ड्राई स्ट्रीम करता हूँ ड्राइनेस फ्रैक्शन 1। केस 2 दिया है, केस 3 मेरे को दिया है टी सुपर हीटेड, सुपर हीटेड स्ट्रीम है मतलब टी सुपर हीटेड इक्वल्स टू 200 डिग्री सेल्सियस दिया है। उसके बाद में केस 3 मेरे को फिर से बताया है कि सुपर हीटेड स्टीम है, उसका टी सुपर हीटेड टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस दिया है, वो लिख दिया मैंने। और केस 5 मेरे को दिया है एक्स इक्वल्स टू 0.95, एक्स इक्वल्स टू कितना दिया मेरे को 0.95, ये मेरे को इतना गिवन है। फाइंड क्या करने बोला, यहाँ पे लिख देंगे स्टेप नंबर 2 फाइंड क्या हीट रिक्वायर्ड, एच हीट रिक्वायर्ड निकालना है। ये पांचों केसेस के लिए मेरे को क्या निकालना है, हीट रिक्वायर्ड निकालना है, मेरे पास में फॉर्मूला है। तो अभी इसके बाद में मैं ये पांचों केस के लिए क्या करता हूँ, हीट रिक्वायर्ड का फॉर्मूला लिखता हूँ। तो स्टेप 3 में लिख रहा हूँ क्या फॉर्मूला किसके लिए, केस 1 कौन सी है, कौन सी स्टीम है, ड्राइनेस फ्रैक्शन दिया मतलब वेट स्टीम, तो वेट स्टीम का फॉर्मूला लिखता हूँ मैं एंथैल्पी निकालने के लिए। वेट स्टीम का फॉर्मूला क्या है, मास HF प्लस HFg। इसमें मास मेरे को क्या है गिवन है, HF की वैल्यू गिवन है क्या, नहीं गिवन है। X की वैल्यू मेरे को गिवन है, HFg की वैल्यू मेरे को गिवन नहीं है। तो जब तक के मैं HF और HFg की वैल्यू नहीं निकालूंगा तब तक के H की वैल्यू हीट रिक्वायर्ड निकाल सकता क्या, नहीं निकाल सकता। और HF और HFg कहाँ से मिलेंगे मेरे को, HF और HFg मिलेंगे मेरे को कहाँ से, स्टीम टेबल से। HF और HFg कहाँ से मिलेंगे मेरे को, स्टीम टेबल से। और वो कहाँ से, क्वाई के ऊपर में निकालना है मेरे को प्रेशर, तो कुत्ते प्रेशर के ऊपर में, यहाँ पे मेरे को प्रेशर भी दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है 10 बार। तो 10 बार प्रेशर के ऊपर में मेरे को HF और HFg की वैल्यू निकालूंगा स्टीम टेबल से, वो यहाँ पे ये फॉर्मूले पुटअप करूंगा तो मेरे को हीट रिक्वायर्ड मिल जाएगा किसके लिए, पहले केस के लिए। उसी तरीके से केस 2 का फॉर्मूला मेरा ड्राइनेस फ्रैक्शन ड्राई स्टीम दी हुआ है, तो ड्राई स्टीम के लिए फॉर्मूला क्या है, एम प्लस HF प्लस HFg, वो पुटअप कर दिया। फिर से मास मेरे को पता है, HF मैं स्टीम टेबल से निकालूंगा, HFg मैं स्टीम टेबल से निकालूंगा। केस 3 क्या दिया हुआ है, सुपर हीटेड स्टीम, तो सुपर हीटेड स्टीम के लिए फॉर्मूला क्या था, एच एम HF प्लस HFg प्लस CP टी सूप माइनस टी सेट। तो मास तो मेरे को पता है, HF मैं स्टीम टेबल से निकाल दूंगा, HFg मैं भी स्टीम टेबल से निकालूंगा। CP की वैल्यू स्टीम के लिए मेरे को पता नहीं है, टी सुपर हीटेड मेरे को क्वेश्चन में गिवन है, टी सैचुरेटेड मैं स्टीम टेबल से निकालूंगा। तो जब तक के मेरे को CP स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर नहीं पता चलेगा, मैं H की वैल्यू निकाल नहीं सकता, हीट रिक्वायर्ड निकाल नहीं सकता किसके लिए, सुपर हीटेड स्टीम के लिए। तो देखते हैं क्या करने का है। उसके बाद में केस 4 वही है, सेम फॉर्मूला, यहाँ पे भी मेरे को CP की वैल्यू लगेगी। केस 5 वेट स्टीम है, तो वही फॉर्मूला लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये HF मैं कहाँ से निकालूंगा, स्टीम टेबल से, HFg भी मैं स्टीम टेबल से निकालूंगा, ड्राइनेस फ्रैक्शन मेरे को दिया हुआ है, मास मेरे को पता है। तो मैंने बताया था, जब फॉर्मूलेज बताया मैंने तभी बताया था आपको कि जब भी आपको CP की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, जब भी आपको CP की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तब अपन क्या करेंगे, CP ऑफ स्टीम अपन अज्यूम करेंगे। जब भी अपने को क्वेश्चन में CP की वैल्यू गिवन नहीं है, तब अपने को क्या करना है, CP की वैल्यू हरदम अज्यूम करना है। और CP की वैल्यू अपन हरदम कितना अज्यूम करेंगे, 2.3, कितना अज्यूम करेंगे, 2.3। तो स्टेप नंबर 4 क्या रहेगा, अज्यूम करना है मेरे को क्या, CP की वैल्यू कितना अज्यूम करना है, CP की वैल्यू अज्यूम करना है स्टीम के लिए, और वो अज्यूम करेगा मैं 2.3 किलो जूल पर KG केल्विन। तो यहाँ पे मैंने अज्यूम कर लिया CP की वैल्यू कितना, 2.3 किलो जूल पर KG केल्विन, क्लियर है। तो अभी यहाँ पे सारी चीज़ें गिवन है अपने को, अभी अपने को क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। तो चलो वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के पहले, सबसे पहले तो मैंने बताया कि जो अपने को प्रेशर गिवन है, उस प्रेशर के ऊपर में अपने को स्टीम टेबल से पहले HF, HFg और टी सैचुरेट की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तभी अपन सॉल्व करेंगे। तो स्टेप नंबर 5 क्या रहेगा, कैलकुलेट ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम फ्रॉम स्टीम टेबल। स्टीम टेबल के ऊपर में से अपने को क्या करना है, सभी प्रॉपर्टीज़ कैलकुलेट करना है। केस के लिए प्रेशर 10 बार के लिए, और वो भी कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, टेबल नंबर 2 से। मैंने बताया कि अपने को कौन सा टेबल यूज़ करना है, टेबल नंबर 2 यूज़ करना है स्टीम टेबल का, और पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज़ निकालना है। किसके ऊपर में निकालेंगे अपन प्रॉपर्टीज, 10 बार के ऊपर में। तो यहाँ पे लिखा द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम एट 10 बार, तो मैं वो वाले स्टीम टेबल में क्या करूँगा, जाऊँगा वहाँ पे, मैं सबसे पहले ढूंढूंगा कि 10 बार कहाँ पर है। सबसे पहले मैं क्या ढूंढूंगा, 10 बार। 10 बार ढूंढने के बाद में मैं वहाँ से हॉरिजॉन्टली जाऊंगा तो मेरे को TS मिलेगा। TS इज नथिंग बट क्या है, सैचुरेशन टेम्परेचर। तो 10 बार के ऊपर में सैचुरेशन टेम्परेचर मेरे को स्टीम टेबल से मिला कितना, 179.9 डिग्री सेल्सियस। कितना मिला, 179.9 डिग्री सेल्सियस। उसी तरीके से मैं HF कैलकुलेट करूंगा तो HF की वैल्यू मेरे को मेरी 762.6 किलो जूल पर केजी। 10 बार के ऊपर में मेरे को HF की वैल्यू मिली स्टीम टेबल से कितना, 762.6 किलो जूल पर केल्विन। उसी तरीके से मैं HFg की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा कहाँ से, 10 बार के ऊपर में। तो मैंने HFg की वैल्यू कैलकुलेट कराया 10 बार के ऊपर में, तो मेरे को मिली 2013.6 किलो जूल पर केजी केल्विन। कितने मिले, 2013.6
किलो जूल पर केजी केल्विन। तो ये भी मेरे को कहाँ से मिली, एचएफजी की वैल्यू भी स्टीम टेबल से ही मिली है, क्लियर है। तो स्टीम टेबल से मैंने 10 बार के ऊपर में क्या निकाला, सेचुरेशन टेम्परेचर निकाला, एचएफ की वैल्यू निकाला और एचएफजी की वैल्यू निकाला। तो अभी एक एक केस करके मैं सॉल्व करता हूँ। तो पहली केस कौन सी है अपनी, वेट स्टीम है जिसका ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.7 है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेप नंबर सी, फॉर वेट स्टीम एक्स इक्वल्स टू 0.7 है। तो एच की वैल्यू निकालना है तो एच का फॉर्मूला लगाऊंगा क्या मैं, मास HF प्लस एक्स एच एफ जी। तो इसमें मास मेरे को गिवन है 5 kg, यहाँ पे पुट अप करूँगा। HF की वैल्यू मैंने अभी कैलकुलेट किया कितना, 762.6 प्लस एक्स की वैल्यू कितना दिया हुआ है मेरे को 0.75 गिवन ईच है। HFG की वैल्यू मेरे को स्टीम की HFG की वैल्यू मेरे को अभी मैंने कैलकुलेट किया कितना 0.2013.6 स्टीम टेबल से। तो यहाँ पे वैल्यूज मैं पुटअप करता, तो मैंने मास पुटअप कर दिया यहाँ पे 5 HFG की वैल्यू पुटअप किया 762.6, HFG की वैल्यू मैंने पुटअप किया 0.75, HFG की वैल्यू पुट किया 02013.6। ये पूरी की पूरी वैल्यू मैं कैल्सी में पुटअप करूँगा तो मेरे को H की वैल्यू मिलेगी। और H की वैल्यू जो मेरे को फाइंड आउट हो रही है फॉर वेट स्टीम वो आ रही है कितनी, H इक्वल्स टू 11364.4 किलो जूल। कितनी आ रही है, 11364 किलो जूल। तो ये मैंने कैलकुलेट कर लिया किसके लिए, ये मैंने कैलकुलेट किया वेट स्टीम की। वेट स्टीम मेरे पास पानी दिया था मेरे को 5 किलो स्टीम बनाने के लिए, जो हीट सप्लाई करना पड़ेगा 0.75 ड्राइनेस फ्रैक्शन की, मेरे को जो हीट वेट स्टीम प्रोड्यूस करना है उसके लिए मेरे को कितनी हीट सप्लाई करना पड़ेगा, 11364 किलो जूल। कितनी सप्लाई करना पड़ेगा, 11364 किलो जूल, क्लियर है। तो अपन ने ये पहली केस अपनी क्या होगी, इसमें से सॉल्व होगी। अभी अपन सॉल्व करते हैं दूसरी केस। दूसरी केस क्या दिया, ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 मतलब कौन सी है, ये ड्राई स्टीम। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टेप नंबर 7, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम एक्स ड्राइनेस फ्रैक्शन 1। तो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम के लिए ड्राइनेस फ्रैक्शन अगर 1 है तो एच का फॉर्मूला क्या होगा, मास प्लस एच एफ प्लस एच एफ जी, मास प्लस एच एफ प्लस एच एफ जी। तो मास मेरे पास में गिवन है 5 kg, एच एफ मैंने अभी निकाला 762.6, एच एफ जी भी मैंने अभी निकाला स्टीम टेबल से 2013.6। तो ये पूरी वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट अप करूँगा तो मेरे वाली वैल्यू मिल जाएंगी हीट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ड्राई स्टीम की। तो यहाँ पे पुट अप करता, तो यहाँ पे मैंने पुट अप किया मास 5 kg, एच एफ की वैल्यू मैंने पुट अप किया 762.6। ये को और इसको किसी को भी कंफ्यूज होना नहीं है, स्मॉल एक्स इज ड्राइनेस फ्रैक्शन, ये मल्टीप्लाई की साइन है। तो एचएफ की वैल्यू मैंने पुटअप किया 762.6 और एचएफजी की वैल्यू मैंने पुटअप किया स्टीम टेबल से 2013.6। इसको मैं कैल्सियम में पुटअप करूंगा तो मेरे को एच कैलकुलेट होगा, वो एच की वैल्यू निकल रही है मेरी 13881 किलो जूल। कितनी निकल रही है, 13881 किलो जूल। तो यहाँ पे देखो ड्राई स्टीम बनाने के लिए वेट स्टीम से अपने को क्या लग रहा है, ज़्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि जितने भी पानी के पार्टिकल्स है ये 75% ही इसमें स्टीम में कन्वर्ट हुआ, अभी भी 25% इसमें क्या अपना स्टीम अभी भी है। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ा कि ये ड्राई स्टीम जो है उसको अपने को पूरी तरीके से ड्राई बनाने के लिए अपने को हीट ज़्यादा सप्लाई करना पड़ेगा। और वो कितनी सप्लाई कर रहा हूँ मैं, 13881 किलो जूल। कितनी सप्लाई कर रहा हूँ मैं, 13881 किलो जूल। तो समझ में आ गया। तो अपन ने दो केस सॉल्व कर दिए, वेट स्टीम ड्राइनेस फ्रैक्शन उसका 0.75, ड्राई स्टीम ड्राइनेस फ्रैक्शन उसका 1, उसके लिए फॉर्मूला पुट अप किया, उसकी वैल्यूज पुट अप किया तो यहाँ पे आ गया 13881 किलो जूल। तो अभी नेक्स्ट सॉल्व करते हैं अपन केस नंबर 3। तो स्टेप 8 रहेगा, सुपर हीटेड स्टीम अपने को दिया एट 200 डिग्री सेल्सियस। तो 200 डिग्री सेल्सियस दिया मतलब ये टी सुपर हीटेड दिया हुआ है अपने को। अपने को यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कौन सा, सुपर हीटेड स्टीम का। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, एच कितना है, एच एम एच एफ प्लस एच एफ जी प्लस सी पी, टी सुपर हीटेड माइनस टी सैचुरेटेड। मास मेरे को गिवन है 5 kg गिवन है मेरे को, एच एफ की वैल्यू मैंने अभी फाइंड किया अब स्टीम टेबल से 10 बार के ऊपर में 762.6 किलो जूल, एच एफ जी की भी वैल्यू मैंने फाइंड किया, सी पी की वैल्यू मैंने अज्यूम किया 2.3। उसके बाद में टी सुपर हीटेड मेरे को 200 डिग्री सेल्सियस गिवन है, टी सैचुरेटेड मैंने स्टीम टेबल से फाइंड किया 179.9 डिग्री सेल्सियस। तो पूरी वैल्यू यहाँ पे मैं पुटअप करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पुटअप किया मास 5 kg पुटअप किया, एचएफजी की वैल्यू मैंने पुटअप किया 762.6, एचएफजी की वैल्यू पुटअप किया 2013.6, सीपी की वैल्यू मैंने अज्यूम किया था 2.3, टी सुपर हीटेड मेरे को 200 दिया हुआ है, टी सैचुरेटेड मेरे को 179.69 मैंने स्टीम टेबल से निकाला। तो ये पूरी वैल्यू मैं कैल्सियम में पुट अप करूंगा तो मेरे को एच की वैल्यू फाइंड आउट होंगी, और जो एच की वैल्यू फाइंड आउट हो रही है वो है मेरा 1412.15 किलो जूल। कितना आ रहा है, 1412.5
किलो जूल। तो सुपर हीटेड स्टीम, अगर मेरे को 200 डिग्री सेल्सियस की सुपर हीटेड स्टीम बनाना है तो मेरे को कितनी हीट सप्लाई करना पड़ेगा, 14112.15 किलो जूल। तो यहाँ से मैंने अभी केस नंबर 3 भी क्या करा, सॉल्व कर लिया। अभी मेरे को सॉल्व करना है कौन सा, केस नंबर 4। तो केस नंबर 4 क्या दिया है, टी सुपर हीटेड 350 डिग्री सेल्सियस, मतलब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा कौन सा इसका, सुपर हीटेड स्टीम का ही। तो केस नंबर 9 सुपर हीटेड स्टीम है 350 डिग्री सेल्सियस, उसका फॉर्मूला लगा मैंने HF plus HFG CP2 सुपर हीटेड, मैंने 30 सैचुरेटेड, सारी चीज़ें मेरे पास में गिवन है। यहाँ पे मैं पुटअप करता, मास में को गिवन था 5 kg, मैंने पुटअप किया। HF की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट किया मैंने, स्टीम टेबल से 762.6 वो भी पुटअप किया। HFG की वैल्यू मेरे को 2013.6 मैंने स्टीम टेबल से फाइंड आउट किया, वो पुटअप किया। CP की वैल्यू मैंने 2.3 अज्यूम किया। 350 टी सुपर हीटेड दिया है, 179.9 टी सैचुरेटेड मैंने स्टीम टेबल से 10 बार के ऊपर मैं फाइंड किया, तो ये यहाँ पे पुटअप किया। ये पूरी वैल्यू मैं कैल्सियम में पुटअप करूँगा। तो मेरे को सुपर हीटेड स्टीम 350 डिग्री सेल्सियस बनाने के लिए कितनी हीट सप्लाई करना पड़ेगा वो मिल जाएगा। तो सुपर हीटेड स्टीम 350 डिग्री सेल्सियस बनाने के लिए मेरे को कितनी हीट सप्लाई करना पड़ रहा है, 15837.15 कितना करना पड़ रहा है, 15837.15 कितना सप्लाई करना पड़ रहा है, 15837.15 कितना सप्लाई करना मेरे को सुपर हीटेड स्टीम 350 डिग्री सेल्सियस की बनाने के लिए, 15837.15 मेरे को यहाँ पर पुटअप करना है। ये तो मेरा केस नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अभी केस नंबर 5 क्या दिया, ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.95। तो यहाँ पे मेरे को वेट स्टीम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 10 वेट स्टीम दिया हुआ है विद ड्राइनेस फ्रैक्शन 95%, मतलब 0.95। तो यहाँ पे मैं वेट स्टीम का फॉर्मूला लगाता हूँ। वेट स्टीम का फॉर्मूला क्या है, HF plus HFG क्या है, HF plus HFG। तो मास मेरे को पता है 5 kg मास मेरे को गिवन है। HF की वैल्यू मेरे को गिवन है कितना, 41 HF की वैल्यू मेरे को गिवन मैंने स्टीम टेबल से निकाला है 762.6। उसके बाद में ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.95 अपने को गिवन है। HFG की वैल्यू मैंने निकाला है 2013.6 किलो जूल पर kg केल्विन। तो ये मैं यहाँ पे पुटअप करता हूँ। तो मास मेरा है 5 kg मैंने पुटअप किया, 762.6 HF की वैल्यू पुटअप किया, HFG ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.765 पुटअप किया, HFG की वैल्यू पुटअप किया 2013.6। तो ये पूरा मैं कैल्सियम में पुटअप करूंगा तो मेरे को वैल्यू मिल जाएगी, हीट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वेट स्टीम ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.95 ड्राइनेस फ्रैक्शन की वेट स्टीम पुटअप करने के लिए मेरे को कितनी हीट सप्लाई करना पड़ेगा, 13377.6 कितना पुटअप करना पड़ेगा, 13377.6 किलो जूल कितना पुटअप करना पड़ेगा, 13377.6 किलो जूल इतनी अमाउंट ऑफ हीट मेरे को सप्लाई करना पड़ेगा ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ वेट स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए। वेट स्टीम 0.95 ड्राइनेस फ्रैक्शन की वेट स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए कितनी हीट सप्लाई करना पड़ेगा, 13377.6 किलो जूल अमाउंट ऑफ हीट मेरे को सप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया सबको? तो लेट अस समराइज व्हाट वी हैव लर्न टुडे। आज अपन ने क्या चीज़ सीखे वो एक बार समराइज कर लेते हैं अपन। तो आज अपन ने क्या क्या चीज़ सीखे, सबसे पहले तो अपन ने सॉल्व न्यूमरिकल सॉल्व करना सीखे, स्टीम का स्टीम के ऊपर में के न्यूमरिकल सॉल्व करना सीखे। उसके बाद में आज के इससे कौन सा यूनिट आउटकम अचीव हुआ है, यूनिट आउटकम 3.A और 3.B। उसके बाद में ये जो प्रोग्राम आउटकम से ये आज के वीडियो से अपने क्या हुए, अचीव हुए। क्लियर है? तो आप ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए जो हरदम MSBT में पूछे जाते हैं। हरदम मतलब इसमें का जो क्वेश्चन है उसकी वैल्यूज चेंज हो सकती है, पर न्यूमेरिकल इसी पैटर्न में पूछे जाते हैं। तो अपन ने जो भी आज वीडियो देखे उसी के बेसिस के ऊपर में आपको वीडियो को देखना है और ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये क्वेश्चंस को आपको अपने कॉपी में एज ए न्यूमेरिकल के तौर पे आपको सॉल्व करना है। क्लियर है? समझ में आया सबको? सो थैंक यू वेरी मच। और अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।